रहमान रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड पे पढ़ेंगे डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड पे पढ़ेंगे सीलोम, फोर्थ पे सिमेट्री और नंबर फिफ्थ पे फेट ऑफ ब्लास्टोफोर। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो सेल्स को अरेंज कैसे करते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का ये मतलब है। तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो है वो किंगडम एनिमेलिया को दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। एक किंगडम जो है वो एक सब किंगडम है पैराजोआ और दूसरा सब किंगडम है यूमेटाजोआ। जो पैराजोआ है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फाइलम आता है और वो फाइलम जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाइलम पोरीफेरा है। फाइलम पोरीफेरा के अंदर इसको हमने पैराजोआ में इसलिए रखा है ताकि पैरा का मतलब होता है बिसाइड एंड जोआ का मतलब होता है एनिमल। तो वो एनिमल जो बिल्कुल ही एक तरफ हैं बाकी हायर एनिमल से। तो ये लोअर एनिमल हैं और ये इन्वर्टिब्रेट्स भी हैं और इनके अंदर जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरह हैं कि सिर्फ और सिर्फ इनके सेल्स लूजली अरेंज हैं और टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो इनके अंदर लैक ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है। इनके अंदर सिर्फ 3 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लूजली अरेंज्ड होते हैं। 3 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, पिनेकोसाइट्स होते हैं और कोनोसाइट्स होते हैं और जो है वो मेसेनकाइम सेल्स होते हैं। इस तरह के सेल्स जो हैं वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो लूजली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जिसके अंदर वो सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं करते, बट ये होते मल्टी सेलुलर ही हैं। तो इस वजह से इसको किंगडम एनिमेलिया में ही रखा गया है। और यू मेटाजोआ के अंदर जो है वो ट्रू एनिमल्स आ जाते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू और मेटाजोआ का मतलब होता है एनिमल्स। तो वो एनिमल्स जो ट्रू होते हैं उनके अंदर जो है टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो होती है और उनके अंदर जो है वो सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू ऑर्गेनाइज करते हैं और इनको हम टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। और वो स्टार्ट होते हैं फाइलम नाइडेरिया से। तो फाइलम नाइडेरिया से यू मेटाजोआ के अंदर 8 फाइला हैं और फाइलम नाइडेरिया से स्टार्ट होते हैं जिसके अंदर टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, बट उनके अंदर ट्रू ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। फाइलम नाइडेरिया की एग्जांपल जो है वो एक हाइड्रा की एग्जांपल, जैसे कि जेली फिशेज हैं, तो इनके अंदर जो है वो ट्रू ऑर्गन्स नहीं बनते। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो चुकी होती है एवोल्यूशनरी पर्स्पेक्टिव से। और बाकी के 7 फाइला जो हैं उनके अंदर फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस से स्टार्ट होते हैं और फाइलम कोर्डेटा तक जो है वो ख़त्म होते हैं। ये इनके अंदर जो है वो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाती हैं, ट्रू ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस से ऑनवर्ड फाइलम कोर्डेटा तक। तो इनके अंदर ऑर्गन्स भी कम्प्लीट बन जाते हैं और इनका ऑर्गन सिस्टम भी कम्प्लीट स्टार्ट हो जाता है। जो नंबर 2 है उस पर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। डिप्लो मतलब होता है 2 और ब्लास्टिक का मतलब होता है सेल्स। वो एनिमल्स जिसके अंदर 2 जर्म लेयर्स की प्रोडक्शन हो और वो एनिमल्स जिसके अंदर 3 जर्म लेयर्स बने। ट्रिप्लो का मतलब 3 होता है और ब्लास्ट का मतलब होता है सेल। तो गैस्ट्रुलेशन के पीरियड में जब एम्ब्रियोनिक प्रोडक्शन होती है जिसके अंदर एक स्टेज आता है गैस्ट्रुलेशन, जो ब्लास्टुला के बाद का स्टेज है, उसके अंदर 3 जर्म लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। 3 जर्म लेयर्स जो होती हैं वो एक एक्टोडर्म होता है, एंडोडर्म और मेसोडर्म। एक्टोडर्म वो वाला पार्ट होता है जो आउटर कवरिंग बनाता है। एक्टो मतलब आउट होता है और डर्म का मतलब होता है लेयर, स्किन, और एंडो का मतलब होता है इनसाइड और डर्म का मतलब होता है लेयर, जो वो इनसाइड वाली लेयर होती है। और मेसोडर्म जो है वो बिल्कुल ही, मेसो का मतलब होता है मिडल और डर्म का मतलब होता है लेयर। तो ये 3 जर्मिनल लेयर्स स्टार्ट हो जाती हैं जिनके आगे जो है वो ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होते हैं और इन्हीं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म से ही आगे एनिमल्स के अंदर ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होते हैं। और डिप्लोब्लास्टिक की जहाँ बात रही तो डिप्लोब्लास्टिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइलम से हैं जो कि फाइलम नाइडेरिया है। फाइलम पोरीफेरा को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे क्योंकि फाइलम पोरीफेरा के अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है और उनके अंदर जो है वो ये 3 जर्म लेयर्स की प्रोडक्शन नहीं होती।
तो इसलिए उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ लूजली अरेंज सेल्स होते हैं, तो उसको हम डिप्लोब्लास्टिक में काउंट नहीं करते। तो फाइलम नाइडेरिया जो है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फाइलम नाइडेरिया डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, और डिप्लोब्लास्टिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ टू जर्म लेयर्स बनना स्टार्ट है, और मीजोडर्म इनके अंदर नहीं होती। एक्टोडर्म जो है वो ये वाला पार्ट जो है, वो जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है एनिमल्स की, जिसकी जिसको हम स्किन कहते हैं, जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, वो एक्टोडर्मल सेल्स से बनते हैं। और एपिडर्मिस जो है वो एपिथिलियर और मस्कुलर सेल्स से बनते हैं। फाइलम नाइडेरिया में हाइड्रा या फिर जेली फिशेस की एग्जांपल हम कॉमनली लेते हैं। और जो एंडोडर्म वाला सेल का पार्ट है वो गट बनाता है। गट का मतलब होता है वो, जिसको हम गैस्ट्रोडर्मिस भी कहते हैं, गट कैविटी भी कह सकते हैं, तो गैस्ट्रो कैविटी भी कह सकते हैं। तो जो गट बनाता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाता है, उसको भी हम गट कहते हैं। जो एंडोडर्मल पार्ट होता है, जो सेकंड सेल का लेयर है, जर्म लेयर जो है, वो एंडोडर्म है। और जो मीजोडर्म है इसके अंदर नहीं होगी। मीजोडर्म के बजाय इसके अंदर मीजोग्लिया होता है। मीजोग्लिया वो वाला पार्ट है जो नॉन सेल्यूलर है, जिसके अंदर सेल्स नहीं होते। वो स्टिफनेस को कायम रखता है जेली फिशेज में और हाइड्रा में। इनके अंदर जिलेटिनियस मास होता है, एक हार्ड मटेरियल होता है। ये मीजोग्लिया जो है वो जिलेटिनियस मास का बना होता है। जेली लाइक सब्सटेंस होती है जो बॉडी को स्टिफ रखती है। तो इस वजह से जो है वो इनके अंदर मीजोग्लिया होता है। इनके अंदर थर्ड जर्मिनल लेयर मीजोडर्म नहीं होती, मीजोग्लिया होती है। जो ये मीजोग्लिया इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर मीजोडर्म नहीं होती, और जो एंडोडर्म है वो जो है वो इसके साथ लाइन नहीं होती। जो ट्रू मीजोडर्म की डेफिनेशन है वो ये है कि एंडोडर्मल लेयर जो है वो मीजोडर्म के साथ लाइंड हो, उनके जो ऑर्गन्स हैं मीजोडर्म के साथ लाइंड अप हो। तो ये लाइन अप नहीं होते, तो ये बीच में मीजोग्लिया है। उसके बाद आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक जो हैं वो स्टार्ट होते हैं फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस से लेकर फाइलम कोर्डेटा तक, जो बाकी सेवन के फाइलम हैं। बाकी सारे फाइलम, सेवन फाइलम जो हैं, वो सब के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, और उनके अंदर थ्री जर्मिनल लेयर बन चुके होते हैं। और इसी तरह ये एक्टोडर्म हैं जो आउटर मोस्ट कवरिंग बनाएंगे। इनके एनिमल्स के जो स्किन होती हैं वो एक्टोडर्म्स के बने होते हैं, और एंडोडर्म्स जो है वो अंदर का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, गट कह सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कह सकते हैं, वो गट जो है वो इसका एंडोडर्मिस बनाता है। और मीजोडर्म जो है वो लाइन अप हो जाता है गट के साथ, और जो है उसके अंदर मीजोडर्म से ही आगे सीलोम बनना स्टार्ट होता है। तो जो मिडल वाला एरिया है ये मीजोडर्म है। सीलोम, इन सीलोम द मीजोडर्मल लेयर स्प्लिट्स ओपन एंड वाइडेंस टू फॉर्म अ बॉडी कैविटी। सीलोम हम उनको कहते हैं जिनके अंदर मीजोडर्मल लेयर स्प्लिट हो जाती है और एक होलो कैविटी बन जाती है, जिसको हम बॉडी कैविटी कहते हैं, और उसके अंदर विजरल ऑर्गन्स सस्पेंडेड होते हैं। विजरल ऑर्गन्स हम उन ऑर्गन्स को कहते हैं जैसे कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हो गए और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, हार्ट, किडनी, लंग्स वगैरह। तो ये इस तरह के ऑर्गन्स जो हैं वो एक होलो कैविटी के अंदर सस्पेंडेड होने लगते हैं, जिसको हम बॉडी कैविटी कहते हैं या फिर सीलोम कहते हैं। तो यहाँ पर थ्री कैटेगरीज हैं एनिमल्स की, जिसके अंदर दिखाया गया है कि सीलोम है या नहीं है। सीलोम जो है वो बेसिकली स्टार्ट ही कहाँ से होते हैं, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। बट हर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के अंदर सीलोम नहीं बनते। जैसे कि फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम है। इससे पहले वाला फाइलम जो है, फाइलम नाइडेरिया, वो डिप्लोब्लास्टिक है, इसलिए उसको हम सीलोम में काउंट नहीं करते। सीलोम की कैटेगरी में वही एनिमल्स आएंगे जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, बट सारे के सारे एनिमल्स जो हैं जो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, वो सब के सब सीलोमेटा नहीं हो सकते। जैसे कि ये एसिलोमेटा है, ए ग्रीक वर्ड है, ए का मतलब
यू नो दैट के विदाउट होता है, और सीलोम जो है वो होलो कैविटी को कहते हैं। तो फाइलम प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर ये उनका एक एनिमल की डाइसेक्शन, एक पार्ट कट करके दिखाया हुआ है, उसकी एक डायग्राम है कि उसके अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी बॉडी कैविटी का वो किस तरह है। ये एक्टोडर्मल पार्ट है, एक्टोडर्म है जिससे एपिडर्मिस बनती है एनिमल्स की, जिससे स्किन बनती है, और ये मेसोडर्मल वाला पार्ट है और ये एंडोडर्म वाला पार्ट है। एंडोडर्म से गट बनता है, गट जैसे कि डाइजेस्टिव कैविटी एनिमल्स की बनती है, और मेसोडर्मल लेयर से जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि पैरेंकाइमल सेल्स आर नॉट स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर फंक्शन। मेसोडर्म के अंदर जो है पैरेंकाइमा सेल्स होते हैं जो कि किसी भी फंक्शन को पर्टिकुलर नहीं करते, कोई भी फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मेसोडर्मल लेयर जो है इनके अंदर स्प्लिट नहीं होती, और जब मेसोडर्मल लेयर स्प्लिट नहीं होती तो बॉडी कैविटी नहीं बनती, और जब बॉडी कैविटी नहीं बनती तो हम इसीलिए इनको हम नहीं कह सकते कि इनके पास सीलोम है, इसीलिए हम इनको एसीलोमेटा में रखते हैं। उसके बाद आते हैं सोडोसीलोमेटा। सोडोसीलोमेटा के अंदर फाइलम एस्कहेलमिंथिस आते हैं जिसको हम नेमाटोड्स कहते हैं कॉमनली। इनके अंदर जो है सीलोम नहीं बनता, इनके अंदर फॉल्स सीलोम बनता है। सोडो का मतलब होता है फास्ट और सीलोम का मतलब होता है कैविटी। ये वाला पार्ट जो है वो एक्टोडर्म का है जो एपिडर्मिस बनाएगा, और ये जो ये ब्लूइश कलर का जो है ये मेसोडर्म है, और एंडोडर्म वाला पार्ट जो है वो मेसोडर्म के साथ अटैच नहीं है। मेसोडर्म सीलोम की दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि मेसोडर्मल लेयर जो है वो लाइंड हो, वो एंडोडर्मिस से लाइंड हो, पर यहाँ पर तो ये एंडोडर्मिस से लाइंड नहीं है, मेसोडर्म जो है वो एक्टोडर्म से लाइंड है, तो इस वजह से यहाँ पर स्पेस तो बन रहा है, होलो कैविटी नहीं बन रही, यहाँ पर जस्ट स्पेस बन रहा है, और मेसोडर्मल लेयर जो है वो एंडोडर्म के साथ लाइंड नहीं है, इसलिए जो है वो ये सीडोसीलोमेट कहलाते हैं। ट्रू सीलोम जो है वो बनना स्टार्ट होता है फाइलम एनिलीडा से फाइलम कोर्डेटा तक। फाइलम एनिलीडा, फाइलम मोलुस्का, अर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और कोर्डेटा, ये चार फाइलम्स जो हैं वो इनके अंदर आते हैं सीलोमेटा में, और जो है वो सीलोम इस तरह बनता है कि मेसोडर्मल लेयर जो है वो स्प्लिट हो जाती है और बीच में होलो कैविटी बना देती है जिसको हम सीलोम कहते हैं, और जब इसके अंदर गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस के अंदर जो है वो जब थ्री जर्मिनल लेयर बनना स्टार्ट हो जाती हैं तो उनके बाद इसी थ्री जर्मिनल लेयर से ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होते हैं। एक्टोडर्म जो है वो स्किन बनाती है, मेसोडर्म जो है वो विसरल ऑर्गन्स बनाती है, और एंडोडर्म से जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनना स्टार्ट होता है, और वही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सराउंडिंग्स में एक होलो कैविटी बन जाती है जिसके अंदर जो विसरल ऑर्गन्स मेसोडर्म से बनते हैं वो इस सीलोम के अंदर सस्पेंडेड होने लगते हैं। उसके बाद वाला टॉपिक जो है वो सिमेट्री का है। सिमेट्री इज़ द ओवरऑल शेप ऑफ एन एनिमल। सिमेट्री हम किसी भी एनिमल के शेप को, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी के शेप को हम सिमेट्री कहते हैं, और सिमेट्री को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और जो एसिमेट्री है, ए मींस विदाउट एंड सिमेट्री मींस बॉडी शेप, फाइलम पोरीफेरा से जो बिलोंग करते हैं, एग्जांपल स्पंजेस, कॉमन एग्जांपल इनकी स्पंजेस हैं। स्पंजेस जो हैं उनको हम एसिमेट्री में काउंट करते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो किसी भी एंगल से हम उनको कट करेंगे तो हमें टू आइडेंटिकल हाफ्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो कॉलोनी की फॉर्म में होती है, वो सिंगल नहीं होते, इसीलिए जो स्पंजेस हैं वो ज़्यादातर कॉलोनीज़ की फॉर्म में होते हैं, उनको किसी भी एंगल से कट करेंगे तो हमें उनका आइडेंटिकल हाफ नहीं मिलेगा, इसीलिए फाइलम पोरीफेरा से जो है वो उन सबको एसिमेट्री में रखा गया है। और जो रेडियल सिमेट्रिकल हैं, रेडियल सिमेट्री हैं, वो स्टार्ट होते हैं नाइडेरियन से इकानोडर्म्स तक, फाइलम नाइडेरिया से, और फाइलम नाइडेरिया है और
इकाइनोडर्म्स, ये दो फाइलम जो हैं वो रेडियल सिमेट्री हैं। रेडियल सिमेट्री उस सिमेट्री को कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर जो है वो राउंड हो, जो राउंडेड स्ट्रक्चर हो, जैसे कि नाइडेरियंस में हाइड्रा जेली फिशेस जो हैं वो राउंड स्ट्रक्चर में हैं, और इकाइनोडर्म्स के अंदर सी अर्चिन वगैरह जो है वो भी राउंडेड हैं। उनको अगर ट्रांसवर्स सेक्शन में देखा जाए तो वो राउंडेड स्ट्रक्चर में होते हैं। उनका हेड रीजन और उनका फुट रीजन जो होता है वो दोनों जो है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो इस वजह से अगर इनको अगर सेंटर से वर्टिकली हम कट करेंगे तो भी हमें इक्वल हाफ्स में मिलेंगे, और अगर हम हॉरिजेंटली कट करेंगे तो भी, जो अगर बिल्कुल दरमियान से इनको हम कट करेंगे तो भी हमें इक्वल हाफ्स मिलेंगे। उनका पोस्टीरियर पार्ट और उनका एंटीरियर पार्ट, ये दोनों पार्ट जो हैं वो हमें इक्वल हाफ्स में मिलेंगे, चेंज नहीं होगा। और बायलेटरल की अगर बात करें तो यहाँ पर एग्जांपल ली है प्लेटीहेलमिंथिस, फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस से प्लेनेरिया की। प्लेनेरिया को अगर हम सेंटर से कट करेंगे तो टू इक्वल हाफ्स मिलेंगे हमें, इसका जो दोनों लेटरल साइड हैं वो सेम मिलेगा। इसी तरह बाकी एनिमल्स जो हैं, जैसे कि कॉर्डेटा के फाइलम से रिलेट करते हैं, ह्यूमंस की एग्जांपल आप ले लें, अगर हम सेंटर से कट करेंगे तो दोनों पार्ट जो है वो लेफ्ट और राइट जो है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे। और अगर हम इनको बिल्कुल ही सेंटर से कट करेंगे, बिल्कुल दरमियान से, तो इसका पोस्टीरियर वाला पार्ट, जो पिछला पार्ट है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, और जो एंटीरियर वाला पार्ट है, जो सामने वाला फ्रंट वाला पार्ट है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। तो अनइक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होंगे, इनका जो स्ट्रक्चर होगा, इनकी जो सिमेट्री होगी वो एक जैसी नहीं होगी। और अगर हम सेंटर से कट करते हैं इस तरह से तो इक्वल हाफ्स में हमें मिलेंगे। फेटोब्लास्टोपोर, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है तो एक स्टेज होता है गैस्ट्रूला, जिसके अंदर जो एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं उनकी इनवर्ड इन्वेजिनेशन होती है, जिसकी वजह से एंटीरोन बनता है। अब वो एंटीरोन, जिसको हम एंटीरोन हम गट कैविटी को कहते हैं, जो कि आगे जाकर एनिमल के अंदर एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, उस वाले एरिया को हम एंटीरोन कहते हैं। और ये उस एनिमल्स में पाए जाते हैं जो कि फाइलम एनिलिडा, मॉलस्का और आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। और जब ये फेटोब्लास्टोपोर जो है प्रोटोस्टोम होगा, प्रोटो मींस फर्स्ट एंड स्टोम मींस माउथ, अगर ये फर्स्ट जो है वो माउथ बनेगा एंटीरोन की गट कैविटी के अंदर, फर्स्ट जो है वो माउथ बनेगा, तो उसको हम प्रोटोस्टोम्स एनिमल कहेंगे, जैसे कि एनिलिड्स हैं, मॉलस्कंस हैं और आर्थ्रोपोड्स हैं। और अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में गैस्ट्रूला स्टेज पे इन्वेजिनेशन सेल की इनवर्ड होगी और वो फेटोब्लास्टोपोर फर्स्ट माउथ नहीं बनाए बल्कि एनस की डेवलपमेंट हो, तो उसको हम ड्यूट्रोस्टोम्स कहते हैं, और वो फाइलम इकाइनोडर्मेटा और फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करेंगे। और यही दो फाइलम हैं जिनके अंदर ड्यूट्रोस्टोम्स बनता है, फर्स्ट माउथ नहीं बनता, सेकंड माउथ बनता है, मतलब कि फर्स्ट जो है वो उनके अंदर माउथ की डेवलपमेंट नहीं होगी, उनकी एनस की डेवलपमेंट होती है, देन माउथ की डेवलपमेंट होती है, तो इसलिए वो ड्यूट्रोस्टोम्स कहलाते हैं। और प्रोटोस्टोम्स वो होते हैं जो कि जिनके अंदर फेटोब्लास्टोपोर फर्स्ट जो है वो माउथ प्रिपेयर करेंगे। तो अगर मेरे टॉपिक्स के हवाले से आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो वो आप काइंडली कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियोस जो हैं, मेरी वीडियोस की हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।